लॉकअप के घर से कौन बाहर निकला है, कौन सा कैदी है जो जेल की कैद से इस हफ्ते छूट जाएगा और किसका सफर लॉकअप में खत्म हो जाएगा। सिर्फ 13 दिन का लगभग ये शो बचा है और उसके बाद जो है 2 हफ्तों का ही शो बचा है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते जो बाहर आया है वो वन ऑफ द मेकर्स का फेवरेट था। काफ़ी उम्मीदें थी कि कंटेंट मिलेगा, शुरुआत में इसको लेकर नहीं आए, बाद में वो घर के अंदर आया, बहुत सारी जो है उन लोगों ये लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है अब कॉन्ट्रोवर्सीज होगी, बहुत कॉन्टेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं अली मर्चेंट की। तो अली मर्चेंट अब घर से निकल चुके हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। सारा पहले गई थी, उसके बाद अली आए, दोनों के बीच में वो एक टिफ जो होती है वो देखने को मिली, वो जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा हम की बात करने में कंफर्टेबल नहीं है और देखकर मुंह फेर लेते हैं। तो सारा अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती थी, सारा बाहर निकल गई। हालांकि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि सारा और निशा कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट थे जो वाकई में लॉकअप में बहुत अच्छा कर रहे थे और अगर उनको रखा जाता तो अच्छा कॉन्टेंट मिलता। लेकिन अब बारी है अली मर्चेंट की और अली मर्चेंट शो से बाहर आ चुके हैं और उनका एविक्शन हुआ है इस हफ्ते। वोटिंग्स की मैं बात करूं तो अली को कम वोट मिल रहे थे, अंजलि और सायशा उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिला कि अंजलि और सायशा को काफ़ी फायदा हो रहा था। हालांकि अक्सर वोटिंग ट्रेंड में देखा जाता है कि मुनव्वर सबसे ज़्यादा वोट लेकर जाते हैं, तो अली के एविक्ट होने की खबरें जो है सामने आ रही हैं।